हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं एजुकेशन बुक। आज हम सीखेंगे पेंट में घर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे बनता है। तो ये मेरा पेंट खुल गया, ये है ड्राइंग एरिया पेंट का। ये हो गया आपका फाइल, यहाँ से आप न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन के जो कोई बना हुआ है तो वो ले सकते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं कोई भी फाइल को, जो आप यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा वो आप सेव कीजिएगा। और सेव एज, अगर कोई फाइल आप बनाए हुए हैं उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं आप पिछला फाइल जो आपका बना हुआ उसमें सेव नहीं हो, तो आप सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, पेज का साइज मार्जिन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टीज उसका कितना केबी में है वो इसके यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। और ये हो गया व्यू, जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज देख सकते हैं, 100% कीजिएगा। यहाँ से रूरल, यहाँ दिख रहा है आपको ग्रेड लाइन, इस तरह से हो गया। ये हो गया फुल स्क्रीन, एस्केप बटन दबाएंगे तो फिर ये रिस्टोर होगा। और यहाँ से आप अंडो रीडो कर सकते हैं, ये आपका सेव बटन हो गया। कंट्रोल एस दबाने से शायद यहाँ पे आप जल्दी से यहाँ सेव बटन दबाइएगा। और ये हो गया कलर वन, या कलर वन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जो घर कैसे बनता है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल लेंगे, तो यहाँ पे हम इसे खींचेंगे, इसको बीच में लेके चलते हैं। ये साइज थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो इसको हम यहाँ पे पतला करेंगे, ठीक है, इतना ठीक है। थोड़ा और बड़ा खींचना है, चलिए ये हो गया। फिर यहाँ से हम लाइन लेते हैं, इस तरह हम लाइन लेंगे। अब एक लाइन ये हो गया मेरा, इसको ही कॉपी में कर लूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी दबाएंगे और यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। इतना मेरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर देना है, ठीक है, थोड़ा यहाँ भी इरेज कर लेना है। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम रोटेट कर लिए, ठीक है, 180 डिग्री, रोटेट से क्या हो गया, हम यहाँ से इशू कर लिए, सॉरी, एक मिनट, यहाँ जाना एकदम ये निशान से लेना है जिससे ये स्पेस नहीं आए, ठीक है, ये वाइट नहीं आए, तो हम यहाँ पे इसको सटा के लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिए, पेस्ट कर लिए और रोटेट 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, हमें इसको ऊपर वाला लाइन ये देना नहीं पड़ा, ठीक है। क्लियर हो गया मेरा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे दरवाज़ा देंगे, यहाँ से लेंगे,
यहाँ से इसको ऐसे करना है। अगर आपको इसका भी साइज और इसका दोनों सेम करना है तो ठीक है, अगर आगे पीछे करना हो थोड़ा साइज छोटा और बड़ा तो आप यहाँ से इसको जैसे इस सेलेक्ट कर लिए, इसको ऐसे ऐसे करेंगे ऊपर करेंगे, इसकी साइज छोटा हो गया। अगर इसको भी करना चाहिएगा आप तो ये छोटा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बीच में ये रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से हम इतना ठीक है खींच लेंगे। ठीक है, और फिर एक इधर भी खींचना है तो इससे अच्छा क्या है जो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिए। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे इजीली ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम यहाँ से एक इस तरह से, ओ सॉरी, यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस तरह से इसको खींच देना है। अगर आपको लगता है ये साइज आगे पीछे हो जा रहा है, अगर यहाँ पर भी अगर आप बना रहे हैं तो इस तरह हो गया है तो इसके कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको सिर्फ इसी इस तरह करना है और यहाँ से इसको, सॉरी, यहाँ से आप सेलेक्ट बटन दबाइए और यहाँ से इसको इस तरह कीजिए, यहाँ कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पेस्ट कीजिए और यहाँ से इस ले आइए, यहाँ पे सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम हो गया। ठीक है, इतना हम कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे लाइन लेंगे और हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सिर्फ ध्यान देना ये टेढ़ा नहीं हो लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे मिला लिए। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे लाइन ले लिए और इसको अगर थोड़ा पतला लेना है तो फिर हम यहाँ से इसको करके यहाँ से हम इसको खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया तो यही इस सेम साइज ले लेते हैं, यहाँ से हम खींच दिए। ठीक है, एक हम यहाँ से भी खींच देंगे। ध्यान रहे जहाँ भी आपको इस टाइप का दिखेगा तो फिर आपको उसको इरेज कर देना। ठीक है, इरेजर लेना है, यहाँ से आपको इरेज कर देना। ठीक है, जिससे ये सुंदर दिखे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ये छूट छूट के ये भद्दा दिखने में लगेगा। ठीक है, ये मेरा इतना फाउंडेशन क्लियर हो गया है। अब इसमें क्या करना है, फिर से हमको ये लाइन लेना है, एक लाइन यहाँ पे देना है। इसके बाद एक लाइन आप फिर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करके। ठीक है, अगर आपकी भी लाइन मेरी तरह इस तरह आ रही है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से अंडू कर दीजिए और यहाँ सेलेक्ट दबाइए और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से कॉपी करना है, फिर यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब क्या करना है हमको इसमें, कि दरवाज़ा देना है। दरवाज़ा कैसे देंगे, ये देखिए, हम फिर इसको यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम ऐसे खींच लिए। ठीक है, इसको हम सेंटर में दे दिए। अब क्या करना है हमें, दो लाइन और देना है, दो दरवाज़ा इसमें देना है, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से ठीक है, एक हो गया,
दूसरा भी फिर यहाँ से हम लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे ज़्यादा हो गया है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से हम इसको मिला लेंगे, इस जगह आएंगे ऐसे, और थोड़ा, चलिए ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या देना है, एक कुंडी देना है। कुंडी कैसे देंगे, तो फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके बीच में इस तरह कर देंगे, ठीक है। और इस जगह एक डिजाइन दे देते हैं, डिजाइन कैसे होगा इससे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ से इजीली कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ लाके रख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद का स्टेप है, फिर हम यहाँ से इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद होम में आएंगे और इसको ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, और ट्रायंगल लेने के बाद हम यहाँ पे एक ड्रॉ खींचेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह मिलाना है, इस तरह मिलाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ से इसको इरेज करेंगे, सेलेक्ट बटन दबाएंगे, दोनों साइड इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। थोड़ा देखिए यहाँ छूट गया है, तो फिर से हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। हम इरेजर का सहायता लेंगे, यहाँ आ गए, यहाँ से हम रीडू कर लेंगे, अंडो रीडू, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ सीरीज कर लिए। इसके बाद हम क्या करना है, फिर एक यहाँ से लेना है और ये इसके सीधा एक लेना है, ठीक है, हो गया। और एक इसके सीधा लेना है, हो गया। अब क्या करना है, हमें थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। ये मेरा इरेज हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेंगे, फिर हम यहाँ से इसको रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से खींच के ले गए यहाँ तक, चलिए ठीक है, मिल गया, और इसको यहाँ तक खींच लेंगे। इस बार ठीक मिला है, और
यहाँ से हम लाइन लेंगे, यहाँ से हम लाइन ले ली इस कोना से इस कोना, ठीक है। थोड़ा सा हाइट यहाँ पे कम है तो इसके लिए हम यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लिक किए और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इतना हो जाने के बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ होम में आएंगे, एक फिर से लाइन लेंगे, ठीक है। ये लाइन हम इस तरह से कुछ खींचेंगे, मिला लिए, ठीक है। हाउस ऊपर का कुछ एरिया लगता है, घर देने वाला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको घर को थोड़ा नीचे कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद हम फिर से एक लाइन लेंगे। अब ये लाइन हम यहाँ से भी एक ड्रॉ करना है, इस तरह मिला के थोड़ा करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए ये हो गया, लेकिन थोड़ा इंटरफेस छोटा दिख रहा है, तो घर को थोड़ा हमको और नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर में ये सट जाएगा। फिर हम इसको इस तरह से घर को नीचे कर लिए और यहाँ से हम सेव कर दिए, ठीक है। जिससे अगर सिस्टम मेरा, देखिए बैटरी लो है, अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर मेरा यहाँ तक सेव रहेगा, इसलिए हम इसको बार बार सेव करते हैं। अब क्या करना है, एक ये लेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, मिला के एकदम ड्रॉ करना है। ये कुछ ज़्यादा छोटा है इसलिए नहीं हो रहा है, तो पहले थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएंगे, जूम कर लिए, जूम थोड़ा और कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा जूम हो गया। इतना करने के बाद हम यहाँ से थोड़ा छूट गया, इसको हम यहाँ से कर लिए, ठीक है, पेंसिल का यूज। अभी थोड़ा सा स्मॉल साइज हो जाओ, और यहाँ पे हम ये ले लिए, फिर से हम ये ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बन गया। इतना करने के बाद हम फिर से एक यहाँ से इस जगह से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट हो गया है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे सेलेक्ट, ये हाइट कम हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम ये ले लिए, ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम कर लेंगे, इस तरह से हम कर लिए, ठीक है। मिल गया। और फिर हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, इस लाइन लेने के बाद फिर हम ये लाइन लेंगे, फिर ये लाइन यहाँ से हम स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। ये लाइन हो गया। अब क्या करेंगे, हम इरेजर की सहायता से ये हम इरेज करेंगे, इरेजर यहाँ से ये हो गया, डिलीट यहाँ से हम खींच के कर दिए, ठीक है। इस तरह हम फिर यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है।
इसके बाद हम यहाँ पे ये लाइन क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको खींच लेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा इस तरह अंडू कर लेते हैं और इस यहाँ से इस सीधा से इसको इस तरह हम करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एक इसमें खिड़की देंगे। यहाँ से लेंगे साइज थोड़ा और यहाँ पे हम खिड़की दे देंगे। ठीक है, बड़ा सा खिड़की हो गया। खिड़की फिर हम यहाँ से अब एक बीच में कर देते हैं। हो गया खिड़की, इसको थोड़ा जूम करेंगे। सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको कट करेंगे। सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है, फिर ऊपर में भी देंगे यहाँ पर। छोटा सा खिड़की देंगे, खिड़की हो गया और यहाँ से हम एक ले लेंगे घेरा हुआ रेलिंग देंगे। ये हो गया रेलिंग। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से इस तरह इस तरह हम कर लिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। और यहाँ से एक सर्कल लेंगे, इसको कट, इसको हम यहाँ से
इस जगह कर दिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। एक और यहाँ से हम एक लाइन दे देते हैं, ये मेरा डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से एक हम यहाँ से सर्कल दे दिया। और एक डिज़ाइन यहाँ पर डिजाइन हो गया। और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जैसे ले लेंगे, इसको यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी डिज़ाइन। यहाँ से हम ये डिजाइनिंग कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ये इसमें खिड़की में कलर डाल देंगे। ये हो गया खिड़की का कलर, और एक कोई कलर यहाँ पे डाल देंगे। खिड़की का कलर ये हो गया। अब कोई भी एक कलर ले लेंगे हम, इसमें डाल देंगे। ये हो गया दरवाजा। चलिए, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो मैंने नहीं किया था, तो आप ये थोड़ा सा कर सकते हैं जिससे थोड़ा कुछ और इसका लुक अच्छा दिखेगा। ये बीच वाला पोर्शन आप हटा सकते हैं, आप इसको हटा दीजिए और इसके जगह ये दे दीजिए, जो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये घर दिखने में। जैसा कि आप
यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी यहाँ से मैं इसको यहाँ मिला लेता हूँ और आप इसको यहाँ तक खींचते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ इसे इस तरह आप कर सकते हैं, सेलेक्ट किए और कॉपी पेस्ट कर दिए इस तरह, ठीक है। और हम मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, देख सकते हैं कैसे हटाते हैं। कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पे इस तरह कर देना, हट गया। अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। फिर इसको भी हटाना है तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह कट कर लिए, ठीक है। और इसी को फिर यहाँ पे हम डाल लेंगे। इस तरह से कर सकते हैं, जो काफी खूबसूरत और भी दिखेगा। थोड़ा थोड़ा इसका भी लुक अच्छा नहीं है, तो हम इसके लिए अच्छा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं इस तरह, ये देखिए हट गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सर ओवल ले लिए, इसका साइज थोड़ा हम रिड्यूस कर लेंगे। इस तरह हम फिर इसको आधा काट लेंगे, ठीक है। कट फिर अब इसको हम यहाँ पे इस तरह यहाँ पे डालेंगे। कलर तो आप यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। आप फिर यहाँ से हम लाइन लेंगे, ये लाइन यहाँ से हम यहाँ खींचेंगे, लाइन का कलर ब्लैक रहेगा, ठीक है। सेलेक्ट इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा घर का डिजाइन थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एक लाइन यहाँ से हम बोल लेंगे, ठीक है। और एक खिड़की को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरह, एकदम जितना ये खिड़की है बस इतना ही सेलेक्ट करना है। ज़्यादा कीजिएगा तो फिर यहाँ पे ये दिक्कत कर देता है, ठीक है। ठीक है, अब ये घर थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दें। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ही लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर से देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।